दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हसन। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत का जंगी जुनून कम न हुआ, रवा बरस, 186 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। कंट्रोल लाइन पर हालिया कशीदगी कम करने के लिए पाक भारत डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राबता। नारोवाल में नाला डेक में तुगयानी, सियालकोट से आमदरफ ताहाल मुअत्तल, पानी, अस्पताल और सैकड़ों घरों में दाखिल। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, जद्दा एक्सपो सेंटर तामीर न हो सका, पाकिस्तान को 3 अरब 36 करोड़ का हर्जाना अदा करना पड़ेगा। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए फहरिस्त तैयार, 30 सितंबर से कबल 34 इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब की लियारी धमाके की मजम्मत, कहते हैं दहशतगर्दों को कौम के इतिहाद की ताकत से शिकस्त देंगे। लाहौर से तालिबान के नाम पर भत्ता वसूल करने वाला गिरोह गिरफ्तार, मुलजिमों ने डॉक्टर से 20 लाख रकम का मुतालबा किया। लाहौर में नया जेल बनाने का फैसला, नए कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल इकट्ठे होंगे। कहीं गाड़ी दस्तयाब नहीं, कहीं किराया बढ़ गया, ईद पर घर जाने वालों के लिए मसाइल ही मसाइल, छत पर जगह मिल जाए तो भी गनीमत। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। नोवाक जोकोविच की कनाडा में फतह, जीत का जश्न नाच नाच कर मनाया। और अमरीकी सयाह की बेएहतियाती, इटली की नुमाइश में नायाब मुजस्मे की उंगली तोड़ दी। दुनिया न्यूज से फिलहाल सिर्फ हेडलाइंस, बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए दुनिया न्यूज.tv।